नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में हम आपको महिला से संबंधित बीमारी एवं महिला स्तनपान दिवस के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। महिला स्तनपान दिवस ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त, यानी आपको 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में पूरे दुनिया में महिला स्तनपान दिवस मनाया जाता है। और स्तनपान यानी महिला द्वारा जो अपने बच्चे को दूध पिलाया जाता है, वो बहुत ही बच्चे के लिए ताकतवर होता है और बच्चे को सुडौल रखता है, सुरक्षित रखता है विभिन्न तरह के बीमारियों से, उन्हें मजबूती देता है रोग से लड़ने के लिए। इसलिए पूरे विश्व में इसे जागरूकता के तौर पर देखा जाता है और 1 से 7 अगस्त के बीच में पूरे दुनिया में, या 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक पूरे दुनिया में स्तनपान दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व स्तनपान दिवस आप इस पर देख सकते हैं। विश्व स्तनपान दिवस मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे महिला अगर स्वस्थ हैं, अगर उनको माँ को दूध होता है तो अपने बच्चे को अवश्य पिलाती हैं, लेकिन किसी कारणवश माँ को दूध नहीं होता है, उस कंडीशन में माँ बच्चे को दूध पिलाने से परहेज करती है और तरह तरह के दवा खाती हैं, फिर भी उसके बाद दूध नहीं बढ़ता है। स्तनपान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, वो जो पीले पीले जो गाढ़े आपको दूध होता है शुरुआती दौर का, बच्चों के लिए बहुत ही कारगर होता है और रोग से लड़ने की बहुत क्षमता देता है आपके बच्चों में। इसलिए स्तनपान सभी महिलाओं को कराना चाहिए। लेकिन अगर किसी को बीमारी हो जाए, दूध कम हो जाए, वैसे स्थिति में आप ये अर्टिका यूरेंस का आपको किसी भी डॉक्टर के सलाह से आपको लेनी चाहिए। ये मदर टिंचर है, 10 बूंद 1 कप पानी में दिन में 4 बार, 10 बूंद 1 कप पानी में दिन में 4 बार लेने से जिन महिलाओं को दूध कम होता है उन्हें ये देनी चाहिए, इससे दूध बढ़ने लगता है। और गैलेगा भी दवा है मदर टिंचर में ही, जिसे 10 बूंद 1 कप पानी में देने से आपका दूध धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक तो ये वजह ये है, और कई वजह होता है जिससे महिला दूध पिलाने से वो हिचकिचाती हैं, नहीं पिलाना चाहती हैं। ये सब पशु में भी ऐसा देखा जाता है। अगर स्तन में थोड़ा सा निपल जो है उसमें यदि दर्द होता है, क्रेक होता है, जलन होता है और स्तन में गांठ हो जाता है, गिल्टी हो जाता है, तरह तरह की बीमारी लगने की वजह से वो महिलाओं को दर्द करने लगता है। ये पशु में भी बीमारी होता है। कई का थनैल रोग होता है, उसे धीरे धीरे थनैल रोग से दूध आना कम होता है और दर्द होना शुरू हो जाता है, उसमें दर्द और सूजन मवाद भी आने का चांस रहता है। इस ढंग का बीमारी महिलाओं को होता है और पशु में भी ऐसा देखने को मिलता है। महिलाएं इसलिए अगर उन्हें किसी तरह का दिक्कत होता है तो वो लोग दूध पिलाने से अपने को हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द होता है, किसी न किसी तरह का कष्ट होने लगता है। हाँ, शौकिया तौर पर जो महिलाएं बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती है, इसलिए कि उनका स्तन लटक जाएगा और उनका सुंदरता कम हो जाएगा, ऐसा भ्रामक प्रचार भी किया जाता है। यदि आपको ऐसा होता भी है ओरिजिनल में, यदि आपको लगता है किसी महिला को कि दूध पिलाने से उन्हें ये जो छाती है, स्तन है, लटक जाता है और उनके सुंदरता को कम करता है, स्मार्टनेस को कम कर देता है, तो उनके लिए भी ये आपको सटीक दवा है, ये पल्सेटिला।
जिन महिलाओं का ये स्तन लगता है कि लटक रहा है और बहुत ज़्यादा लटक रहा है, ऐसे बहुत सारे पशु में भी देखने को मिलता है कि स्तन लटक कर जमीन से वो टकराने लगता है, जिससे पशु को काफ़ी दिक्कत होता है। जो महिला को स्तन जो होता है ये अगर लगे कि काफ़ी लटक रहा है और उससे उनको दिक्कत हो रहा है, तो आप पल्सेटला को कम से कम 30 में 4-5 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार आपको 1 से 1.5 माह तक आपको सेवन करनी चाहिए। आप देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को YouTube चैनल के अंतर्गत GSMP क्लिनिक आई न्यूज। तो जिन महिलाओं को ये आपको लगता है कि स्तन बहुत ज़्यादा लटक रहा है और इसकी वजह से वो दूध नहीं पिलाती हैं, तो पल्सेटला बहुत ही कारगर है। अन्य बहुत सारे आपको ब्रेस्ट जो टोनर आए हैं उसे छाती में लगाने से महंगा पड़ता है, लेकिन सेफ साइज में अच्छा कर देता है। तो आज हम ये महिला दिवस पर, हम महिला दिवस नहीं बल्कि महिला स्तनपान दिवस या आप इसे क्या कहेंगे, इस पर विश्व स्तनपान दिवस आपको ये इसका हेडिंग है, तो इसे विश्व स्तनपान दिवस ही कहना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है और बच्चे हमेशा हेल्दी रहेंगे। माँ का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को सुरक्षित रखे और रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाए, अन्यथा अगर ऐसा नहीं करती हैं, अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो उन्हें दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ त्याग की भावना भी होनी चाहिए। सब लोग एक दूसरे का त्याग करके जीवन को सुचारू रूप से और स्वस्थ रूप से चलाता है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो इस ढंग से बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, तो देश और राष्ट्र और आपके समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने स्तन पर अन्य बहुत सारे और भी बीमारी उनको हो सकता है, जैसे गिल्टी। बहुत सारे महिलाओं को स्तन में गिल्टी होने की वजह से उन्हें अपने ब्रेस्ट को ऑपरेशन करवा कर हटा देनी पड़ती है। कोई भी महिला ऐसा नहीं चाहेगी, लेकिन मजबूरी में कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जिससे कि आदमी कम से कम जीवन को बचा सके। जब आपके ब्रेस्ट में कोई दिक्कत होता है तो आपको प्राथमिकता आ जाती है कि अस्त्र सुंदरता को ध्यान न रखते हुए अपने जीवन को बचाने की वहाँ प्राथमिकता हो जाती है, इसलिए बहुत सारे महिलाओं का स्तन काट कर निकाल दिया जाता है। लेकिन हम दावे के साथ कर सकते हैं, माँ दुर्गा की कसम, माँ दुर्गा की कसम, माँ भवानी की कसम, यदि आप होम्योपैथिक दवा प्रयोग करती है, कोई भी महिला, कोई भी माँ बहनें प्रयोग करती है, तो उनके ब्रेस्ट को काटना नहीं पड़ेगा, बल्कि होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है, बशर्ते कि आप एक अच्छे जानकार होम्योपैथिक चिकित्सक से आप मिलिए, आपके समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। स्तन में गांठ धीरे धीरे जो बनता है, आपको धीरे धीरे वहां पर टाइट लगेगा और टाइट लगने से आपको धीरे धीरे उस पर नज़र बनाए रखनी चाहिए। और इसमें कलकलिया फ्लोर अन्य बहुत सारे लोग दवा देते हैं, हो सकता है कि काम नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथिक चिकित्सा बिल्कुल फेल हो गया और नाकाम हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें अनुभव की बात है, जिस तरह से एलोपैथ में अनुभवी चिकित्सक से आप दिखाते हैं तभी बीमारी आपका ठीक होता है, उसी तरह से आप होम्योपैथिक के अच्छे चिकित्सक जो हैं, जिनका लंबा अनुभव है इस सब बीमारी को ठीक करने में, आप उसे दिखाती हैं तो आपका बीमारी अवश्य ठीक हो जाएगा। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। महिला इसके लिए हमें तो लगता है कि विश्व स्तनपान दिवस के जगह पर ये महिला का गिल्टी जो है, जो स्तन कैंसर है, उसे भी इसको और आगे का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। अगर गिल्टी आपको धीरे धीरे बढ़ते चला गया तो टर्सरी स्टेज में आपको कैंसर घोषित हो जाएगा, आप बायोप्सी टेस्ट के लिए आपको भेजा जाएगा। बायोप्सी होम्योपैथिक में जैसे ही आपको ब्रेस्ट में सूजन आता है, जो उसी दिन आपको यदि कंप्लेन होता है, तो एक सप्ताह के अंदर में
माँ भवानी की कसम, माँ दुर्गा की कसम, आपका अवश्य ठीक हो जाएगा, ब्रेस्ट में कैसा भी ट्यूमर हो। हाँ, अपने हमने प्रयोग से देखा है कि जैसे ही एक दिन में अचानक बच्चा का डिलीवरी हुआ, इशू हुआ, उसके बाद ही ब्रेस्ट में बड़ा सा गांठ उत्पन्न हो गया और स्तन जो है बिल्कुल वहाँ पर टाइट हो गया, बड़ा सा ट्यूमर आने लगा, अचानक प्रकट हुआ। लेकिन इस बात का हमें पूर्णतः जानकारी थी कि डिलीवरी के बाद ऐसा हो सकता है। वैसे हमने बहुत सारे रोगियों का देखा है कि ठीक हो जाता है, और इसमें बस यही एक बात करनी है कि जानकार होम्योपैथिक डॉक्टर चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें प्रयोग करते हैं क्लेकेरिया फ्लोर, लेकिन क्लेकेरिया फ्लोर से तो बहुत ठीक हो सकता है लोग, लेकिन उसमें यदि लक्षण मिलाकर, सिम्टम मिलाकर, महिला पतली है, दुबली है, और क्या क्या उसमें सिम्टम लिया जा सकता है, मरीज पर बीमारी का अचानक प्रहार हुआ, अचानक प्रहार हुआ उसमें कौन कौन सी दवा आती है, इन सब बातों का ध्यान आप रखेंगे तो इसमें हमें लगता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई भी स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जब आपको होता है असाध्य बन जाता है, जब उसको आप समय से नहीं दिखाती हैं। ये आपको क्या है क्या है करते करते बड़े बड़े डॉक्टरों के फेरे में ये काफ़ी लेट हो जाया करता है, लेकिन आप वहाँ ना जाकर कैंसर का जांच न कराते हुए यदि आप अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से आप दिखाएंगे तो आपको हो सकता है कि ये बीमारी बिल्कुल ही ठीक हो जाए। हमने ऐसा कोई भी रोगी नहीं देखा है जो कि ब्रेस्ट का ट्यूमर ये ठीक नहीं हो। शुरुआती दौर में इसमें दर्द नहीं रहता है और धीरे धीरे ये दर्द भी किसी किसी को करने लगता है। दर्द उस समय होता है जब ये बहुत ज़्यादा दिन का आपके पास स्तन में गांठ बन गया है। स्तन में यदि किसी प्रकार का आपका वहाँ पर हार्ड दिखाई देता है तो अपने से छूकर आप महसूस कर सकती हैं कि आपका स्तन में ट्यूमर बढ़ रहा है। ट्यूमर बढ़ने को हमेशा कभी आप नज़रअंदाज नहीं करें, उसे आप गंभीर माने और होम्योपैथिक चिकित्सक से आप दिखाएं। यदि आप एलोपैथिक चिकित्सक से भी दिखा रही हैं तो होम्योपैथिक चिकित्सक से भी आपको अवश्य दिखानी चाहिए, नहीं तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एलोपैथ में सर्जरी ही मात्र उपाय है, एक होम्योपैथिक ही मात्र आपका विकल्प है, जिससे कि आपको बिना ऑपरेशन का ये बीमारी, इतनी गंभीर बीमारी, आपको ठीक हो जाएगा। आपका चेहरा जब ठीक होगा तो चांद सा खिलने लगेगा कि मेरा आपको स्तन काटना नहीं पड़ा और ये दवा से ही ठीक हो गया। ठीक हो जाने के बाद होम्योपैथिक चिकित्सा को, होम्योपैथिक के डॉक्टर को अवश्य आप लोग धन्यवाद बोलेंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आज के वीडियो देखने के बाद में जो भी महिला है मेरे वीडियो को देख रही है, वो आज के बाद में कम से कम एक ऑप्शन आप अवश्य अपनाएंगी, चाहे ब्रेस्ट का ट्यूमर हो या अन्य कहीं भी आपको गिल्टी गांठ आपको दिखाई देता है तो उसे अवश्य आपको दिखानी चाहिए। आप भले ही कहीं भी परिचिकित्सा ले रहे हो, लेकिन होम्योपैथिक डॉक्टर से आपको सलाह अवश्य लेनी चाहिए। जब कंफर्म हो जाए तभी आपको इसकी इलाज करानी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं भी आपको जाकर इलाज शुरू करा देनी चाहिए, बल्कि उसका इतिहास होना चाहिए उन डॉक्टर का कि कहीं उनको ठीक हुआ है कि नहीं। हम प्रत्येक मरीज से कहते हैं कि कोई भी बीमारी दिखा रहे हैं तो कन्फर्म कम से कम आप लोगों को हो जाना चाहिए कि उक्त बीमारी उक्त डॉक्टर से ठीक होएगा या नहीं। यदि आप ऐसा नहीं करता है कोई मरीज तो फेरे में पड़ सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार का यदि गिल्टी हो, गांठ हो, विशेषकर छाती में हो तो दूध को प्रभावित कर देता है, इसलिए महिला ये आपको दूध स्तनपान नहीं करा पाएंगी। और ये जो विश्व स्तनपान दिवस है जिसलिए ये मनाया जाता है पूरे विश्व में, ये जो अपना लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है WHO, पूरा दुनिया जो प्राप्त करना चाहता है कि माँ स्तनपान कराएं बच्चों को पूरा रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आपके बच्चे को कभी बीमारी ना हो, इसलिए स्तनपान करना बहुत ज़रूरी है। इस जागरूकता में विराम चिन्ह लग जाएगा। बहुत सारे महिला पिलाना चाहती हैं अपने बच्चों को दूध अपना, लेकिन उन्हें दूध होता ही नहीं है और उन्हें दर्द करने लगता है निप्पल में बहुत ज़्यादा, इसलिए महिला बचने लगती है।
अगर महिलाओं का ब्रेस्ट में अगर क्रेक क्रेक करके आपको दिखाई दे रहा है तो क्रेक में आपको ग्रेफाइटिस या अन्य दवा का आप सहयोग लेकर इसे बिल्कुल आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इतने 10-15 मिनट की वीडियो में सारे पहलू को हम आप रख दें और आपको बात सारे बात को जानकारी हम दे दें, ऐसा संभव नहीं रहता है। आप बाद में हमें इसमें आपको स्तन संबंधी, ब्रेस्ट संबंधी, आपको किसी भी प्रकार को लेडीज या जेंट्स किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 9807757533 पर आप संपर्क करके अपना समस्या का निदान जान सकती है, इसमें उचित दवा क्या हो सकता है। फिलहाल हम महिला दिवस को लेकर ये हमें वीडियो वाईफाई नहीं रहने की वजह से, बिजली नहीं रहने की वजह से ये आपको ठीक 7 तारीख या 8 तारीख को आपको ये वीडियो हमें छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन हमें खेद है, हम माफ़ी चाहेंगे कि आपको वीडियो समय से हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम आज 9 तारीख के डेट में आपको हम इसे छोड़ रहे हैं। और इस वीडियो से फ़ायदा उठाइए और होम्योपैथिक दवा आप ज़रूर खाइए, आपको स्तन कटवाना नहीं पड़ेगा, आपका स्तन का टोटल बीमारी ठीक हो जाएगा। आप बच्चे को दूध पिलाइए और विश्व का जो ये विश्व स्तनपान दिवस है इसे आप सफल बनाइए। इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से तत्काल हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।